दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट, फोटोग्राफर ने दिखाया हाल। ये तस्वीर जापान के टोक्यो में मौजूद मशहूर सुकीजी फिश मार्केट की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिश और सीफूड मार्केट है। इसके होलसेल मार्केट के अंदर विजिटर्स का आना प्रतिबंधित है। वहीं इसके बाहरी सकिल में मौजूद मार्केट, रेस्टोरेंट और सप्लाई स्टोर लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में देशी और विदेशी टूरिस्ट्स पहुँचते हैं। इसके साथ ही यहाँ हर साल दुनिया की सबसे महंगी मछली की बोली भी लगती है। फोटोग्राफर फेडरिको बोनिफाजी ने इस मार्केट की फोटोज कैद की हैं। टोक्यो में सुमीदा नहीं और गिंजा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये मार्केट मौजूद है। ये पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। इसका इनर मार्केट होलसेल मार्केट है, जहाँ तकरीबन 900 लाइसेंस धारक होलसेल डीलर अपने स्टॉल लगाते हैं। यहीं मछलियों की नीलामी होती है। वहीं इसका आउटर मार्केट होलसेल और रिटेल शॉप्स का मिक्सचर है। यहाँ जापान के किचन टूल्स, रेस्टोरेंट के लिए सामान, सीफूड और बहुत से रेस्टोरेंट मौजूद हैं। आउटर सकिल में मौजूद ज्यादातर दुकानें दोपहर से पहले बंद हो जाती हैं। वहीं इनर सकिल में मौजूद मार्केट इसके और पहले बंद हो जाता है। मार्केट में 400 तरह के सीफूड। इस मार्केट में 400 तरह के सीफूड बेचे जाते हैं। इनमें सस्ती समुद्री सिवार से लेकर महंगे मिलने वाले मछली के अंडे तक शामिल हैं। यहाँ छोटी से छोटी मछली से लेकर 300 किलो की टूना तक सभी तरह की मछलियाँ मिलेंगी। इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल वेल भी शामिल है। यहाँ हर साल तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन सीफूड टोक्यो के 3 सीफूड मार्केट से बेचा जाता है। वहीं इस मार्केट में 2010 तक करीब 65,000 रजिस्टर्ड वर्कर थे। शिफ्ट होने वाला है मार्केट। टोक्यो सरकार 80 साल पुराने सुकीजी फिश मार्केट को गिंजा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के टोक्यो बे पर शिफ्ट करना चाहती है। यहां सड़कें चौड़ी करने के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन पर्यावरण के जुड़ी दिक्कतों के चलते इसे रोक दिया गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक के चलते भी इसे शिफ्ट किया जाना था।